देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। बच्चों में गुणात्मक संस्कार युक्त शिक्षा के लिए सरकार अनेक कार्यक्रम चला रही है। ऐसे ही एक कार्यक्रम से जुड़ी अध्यापकों ने कार्यक्रम के प्रशिक्षण के दौरान फिल्मी गाने व उसकी धुनों पर ठुमके लगाकर बालिका शिक्षा के भविष्य पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा यह वीडियो वायरल वीडियो है और ठुमके लगा रही महिलाएं सामान्य नहीं है बल्कि बेसिक शिक्षा विभाग की अध्यापिका है। मौका है सिद्धार्थनगर जिले के बेसिक शिक्षा विभाग के मीन मंच के सुगमकर्ता अध्यापिकाओं की ट्रेनिंग का। जिले के बडरपुर बीआरसी पर बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी महिलाओं ने 3 दिवसीय ट्रेनिंग मीना मंच के लिए चलाई जा रही थी, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान एक वायरल वीडियो ने ट्रेनिंग के मकसद पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। वायरल वीडियो में प्रशिक्षु शुभम कर्ता फिल्मी धुन पर अपने डांस के जौहर इस तरह दिखा रही है मानो ये प्रशिक्षण बच्चों के समुचित विकास की जानकारी के लिए नहीं है बल्कि डांस सिखाने के लिए आयोजित किया गया है। आपको बताते चलें कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य अध्यापिकाओं को इसका प्रशिक्षण देना है कि वे बच्चों को उनके अभिव्यक्ति और नेतृत्व की क्षमता को कैसे बढ़ा सकें, लेकिन सिद्धार्थनगर जिले में ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम शिक्षाओं के लिए मनोरंजन और संबंधित अधिकारियों के लिए पैसे कमाने का जरिया मात्र बन गया है। इस बारे में जब बडरपुर के CBSA धीरेंद्र कुमार त्रिपाठी से बात की गई तो इस कार्यक्रम का हिस्सा ही बता बैठे। बाद में अपनी गलती का एहसास होने पर उन्होंने जाँच पर कार्यवाही की बात कही। सरकारी धन का दुरुपयोग कैसे होता है यह कार्यक्रम इसकी जीती जाती मिसाल है। सवाल यह उठता है कि जब अध्यापिका ही कर्तव्य बोध के चिथड़े उड़ाएंगी तो बालिका शिक्षा का भविष्य क्या होगा। ये मीना मंच का प्रशिक्षण चल रहा है, सोमवार से बुधवार तक चला है। और क्या कार्यक्रम था? और ग्रेडेड लर्निंग आउटकम का भी प्रशिक्षण चल रहा था, वो अलग हाल में चल रहा है। मीना मंच का प्रशिक्षण केवल महिला अध्यापिकाएं रहती हैं, वो अलग हाल में चल रहा है। उद्देश्य क्या है इसका? मीना मंच के प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि बालिकाओं को इस लायक सबल समर्थ बनाया जाए, मानसिक रूप से जो उसमें भीरू डरे डरे रहने की प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति दूर की जाए। वह शरीर से और मस्तिष्क से सक्षम है, जो मन का उनके डर है वह डर निकाला जाए ताकि वह समाज का बहादुरी से सामना कर सके, निर्भीक हो सके। अंधविश्वास जो कुरूतियां चली आ रही हैं, प्रथाएं चली आई हैं महिलाओं के प्रति, जैसे महीने में 4 दिन ये नहीं करना वो नहीं करना, इस तरह की चीज, चाहे ऐसे डर के रहना है, उधर नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, कई सारे प्रतिबंध जो हैं, उन प्रतिबंधों से, जो अनुचित प्रतिबंध है उनसे मुक्ति पा सकें, रूढ़ियों से मुक्ति पा सकें और जैसे सामान्य नागरिक की तरह वो भी अपना विकास कर सकें। सिद्धार्थनगर से संवाददाता संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।